दोस्तों आपको YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बताया जाता है कि आप कैसे बीयर को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में ऐसे स्पेशल तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप बीयर को 5 गुना तेजी से बढ़ा सकते हो। मित्रों, बीयर हमारे शरीर में एक राजा की तरह होता है। यदि बीयर रूपी राजा यदि पुष्ट है तो रोग रूपी शत्रु कभी भी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका बीयर रूपी राजा निर्बल होता है उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, मतलब वीर नाश ही मृत्यु है और वीर रक्षण ही जीवन। जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि वीर नाश से हमारे शरीर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसे नेचुरल का नाम दे देते हैं। जबकि आयुर्वेद के अनुसार वीर हमारे शरीर का सार तत्व है। एक स्पर्म को परिपक्व होने में 64 दिन या 2 महीने का समय लगता है। स्पर्म परिपक्व होने के बाद वो ओज में अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं उससे सबसे पहले रस बनता है और जो बेस्ट पदार्थ है वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है और वो रस दोबारा हमारी अग्नि में पकता है, यानी पाचन तंत्र में पकता है, और उससे फिर रक्त बनता है और रक्त से फिर मांस बनता है और मांस से फिर मेद बनता है, मेद से बनती है हड्डी और हड्डी से फिर बनती है मज्जा और मज्जा से अंत में फिर वीर बनता है, यानी 7वीं धातु वीर है। प्रत्येक धातु को बनने में लगभग 5-5 दिन का समय लगता है, यानी 7×5=35, यानी 35 से 40 दिन के बीच में वीर हमारी बॉडी में बनके तैयार हो जाता है। रक्त की जब 100 बूंदें बनती हैं तो 1 बूंद वीर बनता है। आपके शरीर को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस वीर को बनाने में, इस मूल्यवान अमूल्य धातु की जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। स्त्रियों में इसी को रज के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचर्य की जब बात आती है तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आती है। पुरुष को भी ब्रह्मचर्य का वैसे ही पालन करना चाहिए और स्त्री को भी। अब आपने जान लिया वीर कैसे बनता है। अब आप जरा विचार कीजिए कि वीर को बनाने में हमारे शरीर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम एक झटके में इस वीर का नाश कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्षणिक सुख के लिए। अरे, जिस वीर को निकालने में इतना आनंद है तो सोचो इसको धारण करने में कैसा आनंद आएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि अगर सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विवाह काम वासना मिटाने का साधन नहीं है, विवाह साधन है एक उत्तम संतान उत्पन्न करने का। पशु भी जब संभोग करते हैं तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन मनुष्य जो कि ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, जो कि ईश्वर ने इसको इसलिए बनाया था कि इसको मुक्ति मिले और हम योग साधना में आगे बढ़ सकें, इसीलिए वीर नाश कभी ना करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, वीरवान बने। मित्रों, कभी आपने गन्ने को देखा है? जो हाल गन्ने से रस निकलने के बाद गन्ने का होता है वही हाल वीर नाश से व्यक्ति का हो जाता है। वीरवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल मृत्यु मार नहीं सकता और वीरहीन व्यक्ति को कोई तार नहीं सकता। सच पूछिए तो वीर ही हमारे शरीर में अमृत की तरह है। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य के बल पर ही कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे और इतने सामर्थ्य और संपन्न हुए। यदि हम भी वीर रक्षा करें तो हम भी प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर रक्षा ही आत्मद्वार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का कल्याण है। मित्रों, वीर की भरपाई करने के लिए हमें फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यदि आप 1 गिलास गाय के दूध में यदि 1 चम्मच शहद डालकर रोज पीते हैं तो इससे आपका वीर तेजी से बढ़ेगा और आपका वीर गाढ़ा हो जाएगा। जिस व्यक्ति का वीर जितना अधिक गाढ़ा होता है वो उतने ही लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह पाता है। अगर आप केले का यूज करेंगे तब भी आपका वीर गाढ़ा
हो जाएगा और वीर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपको केला हजम नहीं होता तो आप केला खाने के बाद एक या दो हरी इलायची का यूज करें, इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और केला अच्छे से हजम हो जाएगा। या फिर आप बनाना शेक का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको योग, प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन को करना होगा और हमेशा आपको सात्विक भोजन ही करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, भले ही आप ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन कर लें, लेकिन अगर आपके मन में काम भोगने की इच्छा शेष है तो मन किसी भी माध्यम से वीर नाश करवा देगा। इसीलिए सबसे पहला आपका काम है मन को निर्मल करना। मन को निर्मल कैसे करें, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। और ऐसे में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने टेलीग्राम पर ज्ञान की ज्योति नाम का चैनल बनाया है, जहाँ पर मैं आपके मन को निर्मल करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए टेलीग्राम पर जाके @ज्ञान की ज्योति सर्च करें और जुड़ जाएं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मित्रों, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं भारत के युवाओं को जागरूक कर सकूँ। इसीलिए आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।